अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल टिकटॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ, और यहाँ पे टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आपने। तो उस मेन टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं, लेकिन 2 मिनट आपके मैं लूँगा एक्स्ट्रा। बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बंदा आपका बहुत बहुत आभारी है, और जितनी लैंग्वेज आती थी मैंने उसमें बोल दिया, और दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का कि अब हमारे चैनल पे हो चुके हैं 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे। जी हाँ, हमने अब जो है वो 1,000 लोगों की फैमिली बना दी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ आती है कि चांस होता है कि अगर आप कुछ चीज़ बोलते हो कोई भी वीडियो में या कोई भी स्टोरी वगैरह जिसमें भी, तो 1,000 लोग शायद उस चीज़ को सुने या देखे जो भी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन दिल से बहुत बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को, और यहाँ पे मेरी मदर को, और इम्पॉर्टेंटली मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स। सिर्फ अगर वो लोग नहीं होते तो आज शायद हम इतनी बड़ी फैमिली नहीं होते। 1,000 लोग बहुत होते हैं। वैसे तो 10-10 मिलियन पे चैनल है मुझे पता है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी जगह पे 1,000 लोग अगर जमा कर ले तो वो भी बहुत दिखते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा सफ़र बहुत लंबा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी मदर और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है वो सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी, और हम इंशाल्लाह आप लोगों के सपोर्ट के साथ एक दिन 10 मिलियन पे भी यही बात कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत जो है वो थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम जो है वो अब 1,000 सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को न्यूज़ मिल ही चुकी होगी अभी तक, एशिया इंटरनेट कोलिशन पे जाके आप देख सकते हैं सारे बड़े जो चैनल्स हैं उन लोगों ने अभी तक ये न्यूज़ जो है वो कवर कर दी है। और सबसे पहले तो इंडिया ही जो है वो आ गया है आगे कि भाई पाकिस्तान में 3 इंटरनेट जायंट जो है वो जाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, गूगल फेसबुक और ट्विटर ने एक साथ हाथ मिला लिया है, और वो लोग अब हमें धमकी नहीं चेतावनी दे रहे कि हम जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। जी हाँ, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, वो भी गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। फेसबुक पे अगर ये वीडियो आप मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे देखते हैं वो भी जो है वो जाने वाला है। यहाँ पे अगर हम दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट क्या डिमांड करती है। बस वो डिमांड कर रही है कि अनलॉफुल कंटेंट जो है हमारे रिलीजन जो कि इस्लाम है उसके खिलाफ़ अगर कोई कंटेंट हो, या ऐसा कोई कंटेंट जो कि सही ना हो हमारी ऑडियंस के लिए, या आर्मी के ऊपर कुछ गलत जो कंटेंट बनता है वो सबको बैन किया जाए या हटा दिया जाए, जो भी। बस हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो है वो अपनी अपने ऑफिसेज जो है वो यहाँ पर लोकली पाकिस्तान में ओपन करें, ताकि जो है जो सपोर्ट सिस्टम हो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए और हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकें। लेकिन उसमें भी जो है वो गूगल फेसबुक ट्विटर वगैरह ने साफ साफ मना कर दिया, और तब जो है वो धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। जी हाँ, हमें सामने वाले धमकी दे रहे हैं, क्योंकि हम एक जो है वो डेवलप कंट्री नहीं है। हम अगर ये भी देखते हैं कि थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हम फिर से अपनी ही टांग जो है वो खींच के नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए जो है वो सामने कंपनीज हमें आंखें दिखाती है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्री हो तो मजाल है कि किसी कंपनी की के वो आपको आंखें दिखाए, बल्कि आप उसे कहोगे कि भाई ऐसा करो, और ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम अभी भी उस स्टेज पे नहीं हैं कि इस स्टेज पे हम किसी कंपनीज को ये बोले कि भाई हमारी बात मानो, हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। वो लोग सामने से हमें आंखें दिखा रहे हैं, और इस बार तो उन लोगों ने चेतावनी दी है, बहुत ही ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ किए हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि द ड्रेकोनियन डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट विल डैमेज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू एक्सेस फ्री एंड ओपन इंटरनेट एंड शट पाकिस्तान डिजिटल इकोनॉमी ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
इट्स चिलिंग टू सी द पीटीए'स पावर एक्सपेंडेड अलाउइंग देम टू फोर्स सोशल मीडिया कंपनीज टू वायलेट एस्टेब्लिश ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स ऑन प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन द ग्रुप सेड इन अ स्टेटमेंट। वैसे यहाँ पे अगर हम एक बात देखें तो सोशल मीडिया कंपनीज या जो भी दूसरी सारी कंपनीज है वो भी फुल जो है वो तरीके से सही नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने भी कोई भी गलत डिमांड तो रखी नहीं उनके सामने, लेकिन यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स बहुत है, आप लोग जो है वो समझ सकते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे रिलीजन या किसी भी चीज़ पे, मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक टेक चैनल है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही फेसबुक गूगल और ट्विटर है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे रिलीजन के बारे में कोई दूसरा कोई बोलता है, पब्लिकली स्पीच भी करता है, तो वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं। और अगर हम यहाँ पे अगर कुछ लिख भी दे या पोस्ट भी कर दे तो वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायोलेट कर दिया आपने, डायरेक्ट बैन, डायरेक्ट ब्लॉक, ये सब चीज़ें हमारे साथ होती है। तो डबल स्टैंडर्ड्स बहुत हैं, तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, वो सारी बातें समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब सोचे, शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ही एक स्टेप पीछे आ जाना चाहिए क्योंकि उनके उनके लिए कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, सही है। यहाँ पे सिर्फ 75 मिलियन इंटरनेट यूज़र है और उसमें से भी बहुत से लोगों को यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन का भी नहीं पता होता। जी हाँ, तो गूगल, फेसबुक और ट्विटर का कुछ नहीं बिगड़ता, बहुत से लोग यहाँ पे ट्विटर पे तो है ही नहीं, पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा कौम जो है यहाँ पे ट्विटर पे है नहीं, सही है। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे उनके लिए इतना नहीं बिगड़ता, इसलिए वो हमको आंखें दिखाते हैं, धमकी नहीं बल्कि चेतावनी देते हैं और यहाँ पे हमारा ही नुकसान होगा, सही है। यहाँ पे इन लोगों को इंटरनेट जायंट्स कहा जाता है, जी हाँ, ऐसे ही नहीं कहा जाता। अगर सोचिए कि अगर ये लोग तीन जो है वो कंपनीज जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई तो क्या हम रह पाएंगे? क्या हमारे पास ऐसे डेटा सेंटर्स है चाइना की तरह के हम जो है वो नया यूट्यूब लॉन्च कर देंगे, सही है, कुछ महीनों में नया फेसबुक लॉन्च कर देंगे, नया ट्विटर लॉन्च कर देंगे? भाई आ जाओ पाकिस्तानी आवाम, यहाँ पे अकाउंट्स बनाओ और यहाँ पे जो है वो इन्फ्लुएंस करो या कुछ भी करो, यहाँ पे पोस्ट करो। पहले हमने यूट्यूब को बैन किया था, क्या हुआ? सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा। आज भी यूट्यूब कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की वो 5 साल पीछे है, आप खुद देख सकते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज जिस मकाम पर जो है कैनी मिनाटी, बीबी के वाइंस वगैरह जो खड़े हैं, शायद हो सकता है कि डकी भाई भी उस मकाम पर पहुँच गए होते अगर 5 साल जो है वो यूट्यूब बंद नहीं होता तो। जी टेक केयर जो के टेक चैनल, बहुत ही बड़ा टेक चैनल है, वो भी शायद उस मकाम पर होते। यू नेवर नो, शायद हमें जो है वो एक स्टेप पीछे आ जाना चाहिए और अगर कंपनीज हमें आँखें दिखाती है तो पहले हमें कुछ बनना चाहिए, हमें एक डेवलप कंट्री बनना होगा। और हम जो है वो डिजिटल पाकिस्तान के बारे में सोच तो रहे हैं तो अभी हमें जो है सबको बाप बनाना होगा, आप समझ तो सकते हैं, मैं क्लियरली नहीं यहाँ पर बोल सकता। और फिर हम जब एक डेवलप कंट्री बन जाए, डिजिटल पाकिस्तान का सपना यहाँ पे सच हो जाए, तब हम जो है वो कंपनीज को फोर्स करेंगे कि आओ भाई यहाँ पे और यहाँ पे हमें जवाब दो, हम जो कहते हैं वो चीज़ मानो। तो बस यही बातें करनी थी। डबल स्टैंडर्ड्स भी है यहाँ पे, कुछ हो नहीं सकता, पता नहीं ये सब चीज़ें कब ख़त्म होगी, ज़्यादा जो है वो इस टॉपिक पे बात करना सही नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में और हमारे रेगुलर टॉपिक में। एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट जो है वो हमने प्लान किया हुआ है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हम जो है वो रेगुलर हो जाए, लेकिन हम नहीं हो पा रहे, मुझे पता है। अब पूरी कोशिश जा रही है, सही है, रेगुलर कंटेंट जो है वो चैनल पे अपलोड हो। बहुत 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 ज़्यादा जो है वो कंटेंट मैंने सोच के रखा है लेकिन जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें क्योंकि आप लोग जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, कुछ भी बात हो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले अब तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।